बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त शोरबा। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, आधा किलो आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, गार्निशिंग के लिए पीसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चाय का चम्मच, टमाटर का पेस्ट, गरम मसाला, कुकिंग ऑयल, पिसा धनिया और प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई, नमक हसबे जायका और पानी। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे गोश्त, फिर हम डालेंगे प्याज, हम डालेंगे इसमें पानी ताकि गोश्त गल जाए। अभी हम और मसाले ऐड करते हैं इसमें। अब हम डालेंगे 2 खाने का चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, दो ही खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा धनिया, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, 3 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 खाने का चम्मच डालेंगे हम नमक, वैसे नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं जैसा आप लोग चाहें, नमक पे कोई पाबंदी नहीं है। और अब हम इसको कर देंगे बंद ताकि हमारा गोश्त गल जाए, फिर बाद में जब गोश्त भुनने पे आ जाएगा फिर हम तैयार करेंगे अपना मज़ेदार आलू गोश्त। इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और दोबारा इसको लगा देंगे दम ताकि गोश्त हमारा गल जाए। देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा आ चुका है भुनाव पे और गल भी चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटरों का पेस्ट, ये 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हमने, टमाटर का पेस्ट शामिल करके इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ये आलू शोरबा बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और इसे गर्मा गर्म चपाती हो या तंदूर वाली रोटी के साथ ट्राई करें। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू, आलू डाल के भूनेंगे इसे। ये देखिए कैसे अच्छा सा भुन गया है ये, और मसाले ने सारा घी ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। थोड़ी देर भुनेंगे इसको। हम मसाले को इतनी देर तक भुनेंगे जितनी देर तक ये यकजान हो जाए। ये देखें इतना अच्छा सा हो रहा है ये। इस तरीके से आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है, आप मेरी रेसिपी ट्राई करें ज़रूर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, पानी आप अपनी मर्जी से रख लें जैसा शोरबा आप लोग पसंद करते हैं। हमने पानी शामिल कर दिया है इसमें और हम इसको इतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारे आलू गल जाए अच्छी तरह से।
ये देखिए हमारा शोरबा हो चुका है तैयार। आलू भी गल गए, अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें। और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, खाने का और थोड़ा सा हरा धनिया। और चूल्हा कर देंगे बंद और अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे। तो चले अब हम अपने शोरबे को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये लीजिए जनाब, हमारा आलू गोश्त का शोरबा का सालन तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। चपातियों के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, ये आप इसे सादे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।